ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर दिखा है। तेज रफ्तार कैंटर ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी और हादसे में बुरी तरह से कैंटर क्षतिग्रस्त हो गया। घंटों में कैंटर में ड्राइवर फंसा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर आखिरकार ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। कैंटर की बॉडी को काटकर निकाला गया। इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई है। तो रफ्तार का कहर एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला और तेज रफ्तार कैंटर ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। तो हादसे में बुरी तरह से कैंटर क्षतिग्रस्त हुआ है। कैंटर में घंटों तक ड्राइवर फंसा रहा। पुलिस ने रेस्क्यू कर उसे फिर बाहर निकाला, जहां कैंटर की बॉडी को काटकर उसे बाहर निकाला गया। हालांकि इलाज के दौरान अस्पताल ले जाया गया और इस दौरान मौत हो गई।